हेलो एवरीवन, वेलकम टू बावर्ची किचन। तो बावर्ची किचन आज आपके लिए लेके आया है खस्ता कचौड़ी और दम आलू की रेसिपी। तो आपको खस्ता कचौड़ी के लिए सबसे पहले मैदे को उसमें अजवाइन और नमक डाल के थोड़ा सा रिफाइंड तेल, मतलब थोड़ा नहीं मोई डाल देना है कि मुट्ठी बंद करे, एक डो तैयार हो जाए, जैसे मुट्ठी बंद करने पर लड्डू टाइप बन जाए, उतना मोई डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा बनाना है और फिर उसको खूब पीटना है जिससे वो टेस्टी और खस्तेदार बन जाए। पीटने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए तो रेस्ट पे छोड़ ही दीजिए, खूब अच्छे से पीट करके बढ़िया से, और आप इसको हल्का सा ऊपर तेल लगा के रख दीजिए। मैंने हरी का कचौड़ी मसाला मंगाया था, तो आप कचौड़ी मसाला ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल के आटे की तरह गूँथ लीजिए। फिर उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे की तरह गूँथ लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से आप छोटी छोटी गोलियाँ बना के रख लीजिए, जैसे कि मैं बना रही हूँ। आप ढेर सारी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तब तक आपका आटा रेस्ट हो रहा है तब तक आप दम आलू बनाइए, तेल लीजिए या फिर घी, उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाइए, बॉयल्ड आलू में डाल दीजिए, बॉयल्ड आलू छील करके अच्छे से, और फिर उसको खूब थोड़ी देर तक भूंजिए। जब हल्का हल्का लाल हो जाए ना, तब आप इसमें पानी डाल दीजिए, लगभग 1 लीटर, जितने आपके घर क्वांटिटी हो, 5 लोग के लिए 1 लीटर पानी इनफ है। अगर आपके घर ज़्यादा लोग हैं तो अपने हिसाब से डालिए। फिर इसमें आप डालिए दम आलू मसाला, अगर आपके पास दम आलू मसाला नहीं है तो आप डाल सकते हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर, इससे ही बनते हैं हमारे दम आलू के मसाले। फिर इसमें जब पक जाए बढ़िया से, तब आप इसमें डालिए धनिया, पुदीना, मिर्चा और अदरक, ऊपर से डाल करके ढक के रख दीजिए। अब हमारा आटा सेट हो चुका है, इसमें हम फिलिंग करेंगे। एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना और खाना बनाना थोड़ा टफ है, तो इस वजह से मैं आपको एक ही हाथ से बना के दिखा रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा जैसे आलू के लोई भरते हैं वैसे ही भरना है। और फिर उसके बाद अच्छे से आपको डो तैयार कर लेना है अपने हाथों से, करिए 2 बार फ्राई करना है, 1 बार तेज आंच पे फट्टे से डालिए, निकाल लीजिए, जब उसमें बबल आ जाए निकाल के रख लीजिए, और दूसरी बार आपका जब तेल ठंडा हो जाए तब सारी कचौड़ियाँ डाल दीजिए। कुछ कुछ मेरी कचौड़ियाँ फूल गई थी और कुछ कुछ नहीं, पता नहीं, आपको अगर रीज़न पता हो तो कमेंट कीजिए। दम आलू ऊपर से डालिए, कचौड़ी डालिए, प्याज डालिए और जायके से स्वाद लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊँगी, बाय।